देखिए कुछ लोगों को डाउट है इम्प्लिसिट फंक्शन में और इनवर्स वाले प्रॉब्लम्स में, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11th डाउट है ना, देखते हैं क्या है 11th में। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए एक्स, फाइंड dy बाय dx। ठीक है ना, बात को समझिएगा। जब मैंने आपको इनवर्स पढ़ाया था तो इनवर्स में सब्स्टिट्यूशन बताया था कि जब कभी हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो x की जगह आप tan थीटा पुट कर दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो x की जगह sin थीटा पुट कर दीजिए, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स के पेयर दिखाई दें तो आप x की जगह cos थीटा या tan थीटा दोनों में से कुछ एक पुट कर सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। लेट ए एक्स इज इक्वल्स टू tan थीटा, जहां जहां आपको ए एक्स मिले वहां वहां आप tan थीटा रख दीजिए, समझिएगा बात को। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, समझिएगा। टेन वर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर आएगा तो बचेगा sec थीटा अपॉन tan थीटा। मैं sec को तोड़ूंगा 1 बाई cos में, 1 बाय cos थीटा माइनस 1, tan को तोड़ूंगा sin बाई cos में, sin थीटा अपॉन cos थीटा, समझिएगा। इसके बाद आप इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करिए तो y इक्वल टेन वर्स कॉस इधर जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ये कॉस ऊपर जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको 11 से बताते आ रहे हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और साइन थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस बचेगा, और हम साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बाई 2, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बाई 2 थीटा। अब समझिएगा, अगर मैंने ए एक्स को टेन थीटा बोला है तो समझिएगा थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन वर्स ए एक्स, टेन वर्स ए एक्स। डी बाई डी एक्स करने जाएंगे 1 बाई 2 बाहर रहेगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन वर्स ए एक्स, अभी तो कुछ पता नहीं, इसको टी लैड कर लेंगे, 1 बाय 2 डी अपॉन डी टी टेन वर्स टी डी टी बाई क्या डी एक्स। चलो टी की वैल्यू वापस कर दो, टेन वर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, टी का वैल्यू हमारे पास ए एक्स था, वापस कर दीजिए 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स, ए बाहर आएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x, x का x के रेफरेंस में डेरिवेटिव क्या होगा 1, a अपॉन 2 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बताइए क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ में आया, कुछ लोग घबरा रहे थे, जैसा इनवर्स में सब्स्टिट्यूशन किया करते थे वही इधर पे किया मैंने, कुछ नया है क्या, आ गया समझ में, जल्दी से नोट करो इसको स्पीड से। 11th क्वेश्चन है ना, एकदम आसान, वैल्यू पुट करके आपने सिंप्लीफाई कर लिया। देखिएगा नेक्स्ट, कुछ लोगों को 13th में प्रॉब्लम है, देखिएगा 13th और 22 मेनली, 23 तो हाँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 13 देखिए, मतलब कि आप घबराना नहीं है, मैं ना जब बताता हूँ क्वेश्चन को इतना प्रॉपर वे में बताता हूँ कि अगर आपने एक बार बहुत ध्यान से सुन लिया ना, मैं नहीं मानता कभी प्रॉब्लम आने वाली आपको उस टॉपिक में, उस क्वेश्चन में कभी नहीं आने वाली, बस थोड़ा ध्यान से सुनना बस है। 13th प्रॉब्लम, अरे ये तो और बेहद सिंपल है, समझिएगा। 13th में गिवन है वाई इज इक्वल्स टू tan वर्स cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, बाहर tan वर्स है तो हम चाहते हैं कि अंदर tan बन जाए तो बढ़िया हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारी प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाएगी। कोई बात नहीं, ऊपर नीचे cos से डिवाइड करो, cos को cos से डिवाइड करेंगे, sin को cos से करेंगे तो tan आ जाएगा, cos को cos से करेंगे 1 आएगा, इधर पर tan आ जाएगा। ध्यान से देखना, ये कोई फॉर्मूला है क्या 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan, बोलो जल्दी। हाँ भाई ये फॉर्मूला है tan 45 डिग्री प्लस x का, किसका फॉर्मूला है ये, tan 45 डिग्री प्लस x, tan tan कट गया क्या बचा पाई बाई 4 प्लस x, लो जल्दी से इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ x कितना होगा 1, तो क्या आ गया d अपॉन डी एक्स, बोलिए 1 आ गया,
क्या प्रॉब्लम लग रही है आपको, बोलिए, क्या समझ में नहीं आ रहा है? बढ़िया आ रहा है, ये आपका 13th हो गया, ठीक है, जल्दी नोट करिए, फिर 22 बताते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 22, समझिएगा, कुछ लोगों को 22 में भी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई टू द पावर 4 इक्वल ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, समझ आ गया? तो ए इक्वल क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 अंडर रूट 1 माइनस वाई टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, समझिएगा बात को। हम क्या कर सकते हैं, पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है, या साइन अल्फा बोल दो, एक्स स्क्वायर कितना साइन अल्फा और वाई स्क्वायर इक्वल कितना साइन बीटा, समझिएगा बात को। एक्स स्क्वायर क्या हो गया साइन अल्फा और वाई स्क्वायर क्या हो गया साइन बीटा, समझिएगा, एक्स स्क्वायर की जगह रख दिया मैंने साइन अल्फा और वाई स्क्वायर की जगह रख दिया साइन बीटा। आइए पुट करते हैं, अंडर रूट 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर साइन अल्फा है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। एक्स स्क्वायर क्या है साइन अल्फा, वाई स्क्वायर क्या है साइन बीटा, बात को समझिएगा। ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, रूट से बाहर आएगा तो कॉस अल्फा, यहां से आएगा कॉस बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। जल्दी से आप फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का फॉर्मूला क्या, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। आप देख रहे हैं कैंसिल हो गया, क्या आई भाई कहानी, ए इज इक्वल्स टू ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है और ये साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2। कॉट को इस तरफ ले लीजिए, ये बन गया कॉट इनवर्स, समझ में आ रहा है, इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, 2 को भी भेज दिए भाई, 2 कॉट इनवर्स ए इक्वल अल्फा माइनस बीटा, 2 कॉट इनवर्स ए, अल्फा का वैल्यू कितना होगा अभी बताइए, अल्फा का वैल्यू होगा साइन वर्स एक्स स्क्वायर, साइन वर्स एक्स स्क्वायर, और बीटा का वैल्यू क्या होगा साइन वर्स वाई स्क्वायर, इधर से आएगा। अपन दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, 2 बाहर रहेगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वर्स एक्स स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स वाई स्क्वायर। अब देखें ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या जीरो, साइन वर्स एक्स स्क्वायर इसको मैं टी मान लेता हूं तो डी अपॉन डी टी साइन वर्स टी डी टी बाई डी एक्स, इसको मैं ना यू मान लेता हूं तो डी अपॉन डी यू साइन वर्स यू डी यू अपॉन क्या डी एक्स, समझिएगा, साइन वर्स टी क्या आएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स। आप टी और यू की वैल्यू वापस कर दीजिए तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई टू द पावर 4 डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। आगे समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये जीरो रहेगा, जीरो इक्वल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर क्या आएगा 2y डिवाइडेड बाय dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई टू द पावर 4, ट्रांसपोज कर दीजिए माइनस 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस 2y डिवाइडेड बाय dx अंडर रूट 1 माइनस वाई टू द पावर 4 माइनस माइनस 2 कट जाएगा, चलिए ट्रांसपोज कर दीजिए 1 माइनस वाई टू द पावर 4 1 माइनस वाई टू द पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, साथ ही साथ क्या ये x इसके साथ था ये x इसके साथ रहेगा y इसके साथ था y
हालांकि इस साइड था तो y अपॉन में आएगा, y अपॉन में आ गया, इज इक्वल्स टू डी वाई बाई क्या dx। तो क्या आ गया dy बाई dx बोलो, x रूट ऑफ 1 माइनस y टू द पावर 4 अपॉन y रूट ऑफ 1 माइनस x टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू dy बाई dx। क्या प्रॉब्लम बताइए इस क्वेश्चन में, प्रूव करना था क्या मुझे लगता है इस क्वेश्चन में? हाँ प्रूव ही करना था, x अपॉन y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y टू द पावर 4 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x टू द पावर 4। ये ठीक ना दिख रहा हो तो लीजिए फिर से लिख देते हैं, सिंपल है। हालांकि ट्रांसपोज करेंगे x रूट ऑफ 1 माइनस y टू द पावर 4 y रूट ऑफ 1 माइनस x टू द पावर 4 dy बाय dx। समझ में आ गया? क्या मुश्किल लग रही बोलिए? थोड़ा सा ये लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन था, हमें कंसंट्रेट करना था ये रूट कैंसिल हो जाए कैसे भी करके, इसलिए मैंने x स्क्वायर का वैल्यू ने साइन अल्फा ले लिया और इधर पे y स्क्वायर का वैल्यू साइन बीटा, रूट कैंसिल हो गया, हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गई। समझ रहे ना? यहाँ पे भी जैसे कुछ लोग कॉट के साथ ही सॉल्व कर देते फिर मुसीबत कम नहीं होती, इसलिए मैंने कॉट को ट्रांसपोज कर दिया ताकि वो कॉन्स्टेंट के घेरे में आ जाए और कैंसिल हो जाए। समझ में आ गया? बढ़िया से जल्दी से इसको नोट करिए फिर आगे बात करते हैं। नोट कीजिए, अब देखिए कुछ लोगों को इम्प्लिसिट फंक्शन में 11th वाला डाउट है, समझिएगा इम्प्लिसिट का 11th वाला क्वेश्चन है, साइन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई। समझिएगा हम कोशिश कर रहे हैं प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर लें, तो वाई साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो वाई साइन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर। समझ गए? चलिए डिफरेंशिएट करिए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई साइन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर। समझिएगा बात को, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। समझिएगा बात को, वाई डी अपॉन डी टी साइन टी डी टी बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेफरेंस में वन, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू टू एक्स माइनस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। बात को समझिएगा, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता, कॉस टी डी टी बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन इक्वल एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई माइनस टू वाई डी बाई डी एक्स। आपको समझिएगा, वाई कॉस एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई डी बाई डी एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई माइनस टू वाई डी बाई डी एक्स। समझिएगा एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस साइन एक्स वाई डी आई बाई डी एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई। समझिएगा सॉल्व करते हैं, एक्स वाई कॉस एक्स वाई डी आई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई डी आई बाई डी एक्स प्लस वन इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई डी आर बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई। जल्दी से डी आर बाई डी एक्स वालों को एक साइड ले लीजिए और कॉमन निकाल लीजिए, क्या बच रहा है, एक्स वाई कॉस एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई इक्वल क्या बच रहा है, टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई सॉरी और क्या बच रहा है माइनस वन। तो डी आई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई
माइनस वन अपॉन एक्स वाई कॉस एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई। ऐसे तो अपना ये डी आई बाई डी एक्स आ गया। कुछ प्रूफ करने को तो नहीं बोल रहा है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ करने को नहीं बोल रहा था, हमने सॉल्व कर लिया। क्या मुश्किल लग रही है आपको? बोलो, कुछ नया था क्या? नहीं, सिंप्लीफाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई और एक्स के रेफरेंस में डेरिवेट कर दिया। जहां जैसा होता जाएगा सब कुछ पता है आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन कोसेंट मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट मतलब कि सब्स्टिट्यूशन, हर मेथड मालूम है आपको। जो मेथड लगे वो लगाते चले जाइए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुछ मुश्किल करें क्या? तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को पहले सिंप्लीफाई करा करो और जुट जाया करो, आंसर तो आएगा ही। समझ आ गया? तो इसको भी नोट करो फिर आगे बात करते हैं। नोट कीजिए, समझिएगा, हमने आपको बहुत सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बताए थे, उसमें आपको याद हो x टू द पावर n मतलब कि वेरिएबल टू पावर कांस्टेंट या फंक्शन टू पावर कांस्टेंट, वेरिएबल टू पावर कांस्टेंट का फॉर्मूला था अपने पास। क्या था फॉर्मूला? n x टू द पावर n माइनस वन, कांस्टेंट वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट माइनस वन। आपको याद हो ऐसा भी एक क्वेश्चन मैंने बताया था, a टू द पावर x कांस्टेंट टू पावर फंक्शन, इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था? a टू द पावर x log ऑफ a। अगर कांस्टेंट टू पावर कांस्टेंट है तो भाई कांस्टेंट ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव जीरो। लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा मिल जाए फंक्शन टू पावर फंक्शन मिल जाए, क्या मिल जाए? फंक्शन टू पावर फंक्शन, फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका आपके पास फॉर्मूला है क्या? नहीं, इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। फंक्शन टू पावर फंक्शन का हमारे पास कोई सिंप्लीफाइड फॉर्मूला नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉग की हेल्प लेते हैं और लॉग के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। तो याद रखें, हमें वेरिएबल टू पावर कांस्टेंट का फॉर्मूला मालूम है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, कांस्टेंट टू पावर वेरिएबल का मालूम होता तो मुश्किल नहीं होती। लेकिन जब कभी वेरिएबल टू पावर फंक्शन आता है तो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत जाती है। इसके लिए ना हम एक तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं, ठीक है ना? लॉगरिथमिक फंक्शन बनाते हैं अपने क्वेश्चन को। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, यहाँ पे हम लॉग की हेल्प लेते हैं। याद रखें लॉग की हेल्प क्यों लेते हैं ये भी समझिए। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है लॉग एम इन टू एन, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर लेंगे? लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन में, समझिएगा बात को। या हमारे पास है लॉग एम अपॉन एन, तो इसको हम ऐसे एक्सपेंड कर लेंगे लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन में। अगर हमारे पास लॉग एम टू द पावर एन है तो हम इसको लिख सकते हैं एन लॉग एम, पावर वाला प्रॉब्लम सॉल्व। अगर हम किसी एक्सपोनेंट में अगर लॉग लेते हैं तो समझ लीजिए वो एक्सपोनेंट क्या बन जाता है? सिंपल फंक्शन बन जाता है। अगर वो सिंपल फंक्शन है तो सिंपल फंक्शन को ऑपरेट करने में हमें बहुत मुश्किल नहीं जाती, उसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। लेकिन एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस तरीके से फंक्शन टू पावर फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉग का यूज करते हैं। समझिएगा, ये तरह तरह के फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। लॉग बी बेस ए का फॉर्मूला क्या? लॉग बी अपॉन लॉग ए। हालांकि ये सारे फॉर्मूले मैं आपको 11th में बता चुका था। ए टू द पावर लॉग ऑफ बी बेस सी क्या होता है? बी टू द पावर लॉग ऑफ ए बेस सी। ए टू द पावर लॉग ऑफ एक्स बेस ए क्या होता है? एक्स। मतलब जब लॉग बेस और एक्सपोनेंशियल बेस सेम होते हैं सिर्फ फंक्शन बचता है। ये फॉर्मूले भी आप नोट करिए। अब जब हम लॉग की मेथड से ही प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमको ये लॉग के सारे फॉर्मूले यूज में आएंगे, ठीक है ना? इसलिए इनको नोट करिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिएगा, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, हम गए इसको डिफरेंशिएट करने, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मेथड नहीं है, हम परेशान हो गए। पहले नंबर हमें इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो याद रखें, जब भी कभी फंक्शन टू पावर फंक्शन मिले तो आप क्या ले लेंगे? लॉग ले लेंगे। समझिएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, फॉर्मूला लगा देंगे लॉग एम टू द पावर एन का क्या होता है? एन लॉग एम। आगे समझिएगा, अब मैं जा रहा हूँ डिफरेंशिएट करने डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग वाई, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स। आप यहाँ देख पा रहे होगे आपके पास दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन के बीच मल्टीप्लीकेशन है, मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। समझिएगा, ये वाई है, एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व नहीं होगा। डी अपॉन डी वाई ऑफ लॉग वाई कैसे आया? मल्टी और डिवाइड से। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। समझिएगा, वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल्स टू एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स का एक्स के रेफरेंस में डेरिवेटिव होगा 1। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई इधर जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। समझिएगा, वाई की जो भी वैल्यू थी वापस कर दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का वैल्यू था एक्स टू दी पावर एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। समझिएगा, ये आपने डिफरेंशिएट कर ली, कितना सिंपल। इसी को कई जगह ऐसा भी लिखा रहता है, मैं लिख सकता हूँ 1 को लिख सकता हूँ लॉग ऑफ ई बेस ई, और इसमें तो एक्स में ई बेस रहता ही है, इसमें लॉग एम प्लस लॉग एन फॉर्मूला क्या है, लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग ऑफ एम इन टू एन, ये आ गया आपका। इस तरीके का भी आंसर आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना, चमकाने के लिए रहता है ऐसा, घबराना नहीं है आपको, समझ में आ गया। कुछ मुश्किल लग रही है, फंक्शन टू पावर फंक्शन देखो बिना सोचे समझे, तो फटाक से लॉग लेट कर लो या दोनों तरफ लॉग ले लो, अपने आप प्रॉब्लम आसान हो जाएगी, समझ में आ गया। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स टू द पावर एक्स। समझिएगा, हालांकि ऐसे सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, फिर भी देखिएगा, हालांकि लॉग वगैरह का डिफरेंस आपको आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है y टू द पावर x इज इक्वल्स टू x टू द पावर y, y टू द पावर x इज इक्वल्स टू x टू द पावर y। समझिएगा, y टू द पावर x इज इक्वल्स टू x टू द पावर y, इनको कैसे ऑपरेट करेंगे, वही चीज है भाई, फंक्शन टू पावर फंक्शन है, लॉग लेना पड़ेगा, ले लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ x टू द पावर y, लॉग m टू द पावर n, n लॉग m, लॉग m टू द पावर n y लॉग x। चलिए डिफरेंशिएट करिए, d अपॉन डी एक्स ऑफ x लॉग y, d अपॉन डी एक्स ऑफ y लॉग x। समझिएगा, फर्स्ट बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। बात को समझिएगा, log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन y dy by dx प्लस log y, x का तो 1 हो जाएगा y, log x का क्या होगा, 1 by x प्लस log x dy by dx। बात को समझिएगा, x अपॉन y dy by dx प्लस log y, y अपॉन x प्लस log x dy by dx। हम जल्दी से dy by dx वाले टर्म्स को एक तरफ ले लें, बाकी को दूसरे साइड, x अपॉन y dy by dx माइनस log ऑफ x dy by dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x माइनस log ऑफ y। यहां से dy by dx जल्दी से कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, x माइनस y log x अपॉन y, इधर से क्या आएगा, y माइनस x log y अपॉन क्या, x। dy by dx की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, y अपॉन x y माइनस x log y अपॉन x माइनस y log x। क्या प्रॉब्लम है बताइए, y माइनस x log y इज इक्वल्स टू x माइनस y log x, क्या मुश्किल लग रही है, जल्दी बताइए, कुछ दिक्कत है, समझ में आ गया। चलिए इस तरीके से आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, कुछ घबराहट हो रही है क्या, टफ है क्या, बिल्कुल आसान है, जल्दी इसको नोट करिए, फिर एक दो क्वेश्चन और करते हैं, नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए आगे, एक और बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा, y टू द पावर x इज इक्वल्स टू e टू द पावर y माइनस x, e टू द पावर y माइनस x, फिर वही कहानी, फंक्शन टू पावर फंक्शन दिखाई दे रहा है, क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, लॉग ऑफ y टू द पावर x लॉग ऑफ e टू द पावर y माइनस x। चलिए x लॉग y, y माइनस एक्स लॉग ई, और हम जानते हैं लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, 1, x log y इज इक्वल्स टू y माइनस x। बात को समझिएगा, अब क्या करेंगे अपन इसके बाद, वही डिफरेंशिएशन, d अपॉन डी एक्स ऑफ x log y, d अपॉन डी एक्स ऑफ y माइनस x, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, d अपॉन डी एक्स ऑफ y माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ x।
तो देखिएगा log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन y dy by dx प्लस log y, x का x के रेफरेंस में क्या होगा 1, dy by dx माइनस क्या हो जाएगा 1। बात को समझिएगा, dy by dx वाले टर्म्स एक तरफ ले लीजिए, x अपॉन y माइनस 1 dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस log y माइनस 1, dy by dx क्या मिलेगा आपको, x माइनस y अपॉन y, यहां से क्या मिलेगा माइनस 1 प्लस log y। आपको भी मालूम है y माइनस x की वैल्यू क्या है, x log y। यहां पे आप क्या लिख लोगे, dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस y 1 प्लस log y। log y की वैल्यू कितनी है, सॉरी log y नहीं, आप y माइनस x की वैल्यू कितनी है, y माइनस x की वैल्यू है x log y। तो जो यहां से आ रहा था ये क्या आएगा, माइनस x log y। क्या देखा आपने, dy by dx कितना आ गया, y 1 प्लस log y अपॉन x log y। बताइए क्या मुश्किल लग रही है आपको, क्या समझ में नहीं आया बताइए। अगर आप x को यहां पे ट्रांसपोज भी कर दें तो 1 प्लस log y की वैल्यू y अपॉन x भी आ सकती है, तो आएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर log y। ऐसे भी कर सकते हैं आप, y स्क्वायर अपॉन क्या x स्क्वायर log y भी आ सकता है, जैसा भी चाहें। सिंप्लीफिकेशन तो इनके बेसिस पे आप कर ही सकते हैं। मैंने एक बार y माइनस x को क्या लिख रखा है, x log y रख रखा है, एक बार मैंने ना 1 प्लस log y को y अपॉन x लिख रखा है, तो 1 प्लस log y y अपॉन x हो गया, सिंपल है। और बोलिए क्या मुश्किल लग रही है आपको, आ गया समझ में, ईजी है ना। चलिए नोट करिएगा इसको भी, कुछ नहीं फंक्शन टू पावर फंक्शन दिखे मतलब आप क्या कर देंगे, लॉग ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा एक और थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है वो बता देते हैं, मिटाएं इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो थोड़ा डिफरेंट वैरायटी है इसलिए भी, सीट का हर प्रॉब्लम ट्राई करना आपको। देखिए क्वेश्चन है, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल a टू द पावर b। बात को बहुत ध्यान से समझना, मैंने आपको इतने सारे लॉग के फॉर्मूले बताए, अगर मैं इसमें कहूं कि मैं दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं, चलिए लॉग ले लिया मैंने, x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल्स टू लॉग a की पावर b। आप खुद ही बताइए, मैंने इतने आपको लॉग के फॉर्मूले बताए, क्या एक भी फॉर्मूला लॉग ऑफ a प्लस b के लिए बताया है क्या, क्या मैंने एक भी फॉर्मूला आपको लॉग ऑफ a प्लस b के लिए बताया है क्या, नहीं। लॉग ऑफ a प्लस b के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब यहां पे लॉग लगाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, यहां पे हमें लॉग नहीं लगाना। फिर बोले सर कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कोई एक फंक्शन लेट कर लें, इसको हम कोई दूसरा फंक्शन लेट करें। चलिए y1 ले लिया मैंने x टू द पावर y को, और y2 ले लिया मैंने y टू द पावर x को, आइए सॉल्व करते हैं। लॉग ऑफ y1 इज इक्वल्स टू y log of x, दूसरा log of y2 is equals to x log of y, डिफरेंशिएट करिए, d upon dx of log y1, d upon dx of y log x, d upon dx of, लाइन ही खींच लो यार, log y2 और d upon dx of x log y। समझिएगा log y1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 by y1 dy1 by क्या dx, इधर से कितना आएगा y अपॉन x प्लस log ऑफ x dy by क्या dx। आगे समझिएगा, इधर से क्या आएगा 1 अपॉन y2 dy2 by dx, साथ में क्या आएगा x अपॉन y dy by dx प्लस log ऑफ y। अब बात समझिएगा, dy1 by dx की वैल्यू क्या आएगी, y1 y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx, dy2 by dx की वैल्यू क्या आएगी, y2 x upon y dy by dx plus log of y। ये तो था dy1 by dx और dy2 by dx जो हमने लेट करा था। फिर इसको हम dy by dx कैसे फाइंड करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट नोटिस कीजिएगा, a टू दी पावर b की वैल्यू क्या है, ये प्लस ये, इसको मैंने बोल दिया है y1 और उसको बोल दिया है y2। चलिए दोनों तरफ x के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करते हैं, समझिएगा d अपॉन dx ऑफ y1 और d अपॉन dx ऑफ y2। आपको भी मालूम है कि d अपॉन dx ऑफ y1 की वैल्यू क्या है, क्या है वैल्यू,
y1, y1 मतलब क्या, x टू द पावर y, y अपॉन x प्लस log x dy by dx प्लस इसकी वैल्यू क्या है y2, y2 मतलब क्या, y2 मतलब y टू द पावर x, x अपॉन y dy by dx प्लस log y। आपको मालूम है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, x टू द पावर y माइनस वन इंटू वाई प्लस x टू द पावर y log x dy by dx प्लस y टू द पावर x माइनस वन x dy by dx प्लस log y टू द पावर x log of y। अब देखिए dy by dx वाली टर्म एक तरफ, बाकी वो ट्रांसपोज कर दीजिए, तो माइनस x टू द पावर y माइनस वन इंटू वाई माइनस y टू द पावर x log of y इक्वल, यहां से dy by dx कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा y टू द पावर x माइनस वन इंटू x प्लस x टू द पावर y log of x, ट्रांसपोज कर दीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, x टू द पावर y माइनस वन इंटू y प्लस y टू द पावर x log y अपॉन y टू द पावर x माइनस वन इंटू x प्लस x टू द पावर y log x। ये आ गई भैया dy by dx की वैल्यू। क्या आपको कहीं से मुश्किल लग रही है इस क्वेश्चन में? नहीं ना, डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? अगर हम डायरेक्ट लॉग लेते थे, मैंने आपको करके दिखाया था, तो लॉग ऑफ ए प्लस बी आ रहा था, और लॉग ऑफ ए प्लस बी का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने अलग अलग लेट करा, अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया और वापस ला के इधर पे पुट कर दिया। समझ में आ गया? और डी आर बाई डी एक्स सेपरेट कर लिए, बाकी सबको ट्रांसपोज कर दिया, है ना सिंपल। चलिए, लॉग वाले सारे प्रॉब्लम आपको समझ में आ गए, वैरायटी इतनी ही थी जितने क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किए, ठीक है ना। इनको नोट करिए बढ़िया से, और जैसे ही सीट आती है उस सीट को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करिए, एक भी डाउट आता है मुझे मैसेज करिए, ठीक है ना। डाउट जरूर पूछिए और सीट्स को रेगुलर सॉल्व करिए। कई बार अगर आप लेट भी हो जाते हो, राइट टाइम पे सॉल्व नहीं भी कर पाते, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में करके भी मेरे से डाउट जरूर पूछिए। डाउट नहीं पूछेंगे धीरे धीरे आप पीछे होते चले जाएंगे, ठीक है ना। डाउट पूछना, रेगुलर क्लास लेना है, नोट करिए प्लीज इसको, फिर आगे देखते हैं अपन और।